सिंगरौली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। सब स्टेशन खुलने के बाद ग्राहकों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस सब स्टेशन का निर्माण होने से सभी स्टेशनों पर विद्युत का भार कम पड़ेगा। देवसर के बरका में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया, जिसमें देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा सहित कलेक्टर राजीव रंजन, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम विधि विधान से फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक सुभाष वर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में अन्नदाता के साथ साथ सभी उपभोक्ताओं को बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। इस स्टेशन के निर्माण होने से अन्य सभी स्टेशनों पर विद्युत का भार कम पड़ेगा। अब समस्याओं का निदान बारीकी से सब स्टेशन बरका स्टेशन में होगा। सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा जो मैं विधायक उस क्षेत्र का हूँ, सुभाष रामचरित्र, मेरे विधानसभा में बिजली का काफी लंबे समय से मामला चल रहा था। जो बिजली लो वोल्टेज के कारण न लाइट मिल पाता था ढंग से, न पंप चल पाते थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचा कर उन्होंने जो सौगात दी है सब स्टेशन की, हर 15 किलोमीटर सब स्टेशन का उसे निर्णय बना है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह हमें बरका को सब स्टेशन देकर आज 13 गांव को हमने समर्पित किया है, और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हर गरीब की चिंता उनको बनी रहती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।